हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल। FOM के अंदर पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया था और कंपोजिट नंबर्स यानी संयुक्त संख्याओं के बारे में पढ़ा था, जो लास्ट टॉपिक था। अब हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर्स के बाद को प्राइम नंबर्स। अगर हिंदी में बात करूँ तो हिंदी में इसे बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएँ। अब ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है, तो इसकी परिभाषा यानी इसकी डेफिनेशन होती है टू नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम इफ देयर HCF इज वन। डियर वो वाला ओके, दो आपकी प्राकृत संख्याएं हैं वो आपकी सह अभाज्य संख्याएं कहलाएगी अगर उनका HCF महत्तम समापवर्तक या जिसे मस कहते हैं वो एक आ जाए। तो कंडीशन क्या हुई, वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए और उनका HCF क्या वन होना चाहिए, उनका मस एक होना चाहिए। तो अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कौन कौन से नंबर्स को प्राइम होंगे। अगर मैं बात करूं 7.8 की तो क्या ये को प्राइम नंबर है? हाँ, ये को प्राइम नंबर है, इट्स को प्राइम। वाई? क्योंकि देखिए 7 और 8 दोनों नेचुरल नंबर्स है, प्राकृत संख्याएं हैं, फर्स्ट कंडीशन फॉलो। सेकंड कंडीशन क्या है, इन दोनों का HCF याद कीजिए, मर्स निकालिए तो वो एक आएगा, HCF 1 आ रहा है तो दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई, दैट मीन्स आपका ये को प्राइम है। अगर मैं बात करूँ 1.2 की, 3.4 की, 4.5 की, 6.7 की और 9.12 की, तो इनमें कौन कौन से को प्राइम है आप बताइए। तो आप कहोगे ये भी को प्राइम है क्योंकि HCF क्या आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, इसका HCF भी 1, ये भी को प्राइम, इसका HCF भी 1, ये भी को प्राइम, इसका HCF भी 1, ये भी को प्राइम, लेकिन इसमें HCF कितना आ जाएगा, 3, तो ये आपका को प्राइम नहीं होगा। तो ये हुई आपकी को प्राइम की डेफिनेशन। अब देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, तो उन पॉइंट्स को हम मेजर कर लेते हैं, उन पॉइंट्स की भी हम बात कर लेते हैं। तो अभी देखिए इन एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया कि जो कंजेकटिव नेचुरल नंबर्स हैं, कंजेकटिव नेचुरल नंबर्स आपकी जो क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं उनका HCF हमेशा एक आएगा, उनका HCF यानी मर्स हमेशा 1 आना है। देख लो 1.2 आपकी कंजेकेटिव क्रमागत है, 3.4, 4.5, 6.7, 7.8, 8.9, 9.10, 11.12, ये सब क्या है आपकी कंजेक्यूटिव नेचुरल नंबर, क्रमागत प्राकृत संख्याएं। तो क्रमागत प्राकृत संख्याएं ऑलवेज को प्राइम ओके। तो जो आपकी क्रमागत प्राकृत संख्याएं होगी वो हमेशा असहभाज्य या सह अभाज्य होगी, ठीक है। कंजेकेटिव नेचुरल नंबर्स ऑलवेज को प्राइम ओके। अब देखिए को और प्राइम मतलब जो प्राइम नंबर्स होंगे ना वो भी हमेशा को प्राइम होंगे। अगर मैं बात करूँ 2 और 3 की तो ये दोनों क्या हैं, प्राइम हैं, ये दोनों क्या हैं, अभाज्य हैं और ये को प्राइम भी है। मैं बात करूँ अगर 5.7 की तो ये भी क्या है, को प्राइम है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ सपोज 3.5 की तो ये भी को प्राइम है। ये चीज़ आपको समझ में आई, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो को प्राइम होंगे हमेशा। को प्राइम में दो नंबर्स रहते हैं साथ में, ठीक है ना, अकेला नंबर को प्राइम नहीं बन सकता। अगर मैं कह दूँ सिर्फ 3 तो वो भैया को प्राइम नहीं है, वो आपका प्राइम नंबर अभाज्य संख्या ही है, या तो अभाज्य होगा या आपका संयुक्त होगा, या तो कंपोजिट नंबर होगा या आपका प्राइम नंबर होगा। लेकिन जैसे ही अपन बात करेंगे पेयर की, या हम बात करते हैं दो नंबर्स की, हम बात करते हैं युग्म की, जोड़े की, तब ये चीज़ निकल के आती है को प्राइम नंबर, ठीक है, सह अभाज्य संख्याएँ। तो हम बात कर रहे थे कि जो प्राइम नंबर्स हैं वो हमेशा को प्राइम होंगे, क्यों, क्योंकि आप देखिए कि प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स कितने होंगे। कोई भी प्राइम नंबर आप ले लीजिए उसका फैक्टर कितना होने वाला है, उसके दो ही फैक्टर्स होने वाले हैं, कौन कौन से, एक तो वो खुद हो जाएगा इट्सेल्फ,
और एक उसका क्या हो जाएगा, वन। तो भैया दो प्राइम नंबर का अगर मैं एच सी एफ लूंगा तो दो प्राइम नंबर सेम तो है नहीं, अब अगर मैं बात करूँ थ्री और फाइव की तो दोनों डिफरेंट है, तो इटसेल्फ वाला मामला तो खत्म हो गया। दैट मीन्स आपका एच सी एफ कितना आएगा, वन। मतलब कोई भी दो प्राइम नंबर्स का अगर मैं एच सी एफ लूंगा तो मेरे पास आने वाला है वन। और ये सेटिस्फाई किसे करता है, इस डेफिनेशन को। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन क्या थी आपकी को प्राइम नंबर की, कि नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, दोनों नेचुरल नंबर्स हैं और दोनों का एच सी एफ भी वन आ रहा है, तो डेफिनेशन यानी परिभाषा जैसे ही संतुष्ट कर दी, सेटिस्फाई कर दी, तो ये को प्राइम भी हो गया। ये सह अभाज्य का भी उदाहरण है, लेकिन मैं उल्टा नहीं बोल सकता। मैं ये तो बोल सकता हूँ कि प्राइम नंबर्स या पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स वो हमेशा क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। आपकी अभाज्य संख्याओं का जो युग्म या जो दो अभाज्य संख्याएं हैं वो हमेशा आपकी क्या होगी, को प्राइम नंबर होगी, सह अभाज्य होगी। लेकिन मैं उल्टा नहीं बोल सकता कि सारे को प्राइम नंबर्स जो हैं वो प्राइम नंबर्स होंगे, आपके सारे सह अभाज्य संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं होगी। ऐसा क्यों नहीं बोल सकता मैं, ऐसा इसलिए नहीं बोल सकता कि अभी हमने देखा था कि 1.2, 2.3, 4.5, 8.9, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। ये सारे को प्राइम के एग्जाम्पल है क्योंकि सब में एच सी एफ क्या आ रहा है, वन आ रहा है, और सारे के सारे नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं हैं और मां से एक आ रहा है। लेकिन अगर मैं वन और टू की बात करूं तो इसमें जो वन है वो आपका क्या प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होती है, नहीं होती है। आपकी जो टू है वो अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होता है। टू एंड थ्री इस केस में बोथ आपके प्राइम हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं फोर और फाइव की, तो देखिए फोर क्या है, फोर है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, पिछले वीडियो में बताया था सबसे छोटी आपकी संयुक्त संख्या चार है। तो अब देखिए हमने फोर पे बात कर ली और फाइव जो है वो प्राइम है, तो अब देख लीजिए उल्टी बात कहाँ सिद्ध हो रही है। सारे के सारे जो प्राइम नंबर्स थे उनको लेकर अगर आप ऐसा बनाओगे, ठीक है, दो प्राइम नंबर्स को लेके इस तरीके से अगर आप बात करोगे तो वो हमेशा को प्राइम निकलेंगे। टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम बट कन्वर्स ऑफ इट नॉट ट्रू। दो आपके अभाज्य संख्याओं का जो युग्म है या दो अभाज्य संख्याएं सदैव आपकी सह अभाज्य होती है, परंतु इसका प्रतिलोम सत्य नहीं है। क्यों नहीं है भैया, अगर मैं बात करूँ इस वाले एग्जाम्पल की, तो ये मेरा को प्राइम है, बिल्कुल है, देख लो एच सी एफ वन आ रहा है और आपके नेचुरल नंबर्स है, लेकिन क्या एट प्राइम नंबर है, एट प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या हैं, मोर देन टू है, और जिसके फैक्टर मोर देन टू होते हैं वो आपका कंपोजिट नंबर हो जाता है। ये भी आपका कंपोजिट नंबर, ये भी आपका कंपोजिट नंबर, तो क्या हुआ, ये चीज सिद्ध हुई, नहीं हुई। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू मेरी बात बता दी, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा था या इतनी देर से बता रहा हूं उसको मैं थ्योरिटिकली नोट डाउन भी करवा देता हूं। और वो पॉइंट क्या है बच्चों, वो पॉइंट है आपका टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम बट कन्वर्स ऑफ इट नॉट ट्रू। ठीक है, दो अभाज्य संख्याएं सदैव सह अभाज्य होती है, परंतु इसका प्रतिलोम सत्य नहीं है या सही नहीं है। ठीक है, तो हमारी लाइन क्या हुई, यह हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आज के लेक्चर का। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कंजेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो ऑलवेज को प्राइम होते हैं, आपकी क्रमागत प्राकृत संख्याएं सदैव सहअभाज्य होती है। दूसरा पॉइंट है टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम बट कन्वर्स ऑफ इट नॉट ट्रू, उसका भी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था कि भाई प्राइम नंबर्स का जो था वो हमेशा को प्राइम हो रहा था, लेकिन एट और नाइन को प्राइम नंबर्स हैं लेकिन वो प्राइम नहीं है। दो अभाज्य संख्याएं सदैव सह अभाज्य होती है परंतु इसका प्रतिलोम सत्य नहीं है, अभी हमने इसका एग्जाम्पल देख लिया। तो यहाँ पर हमारा एक और नंबर को प्राइम नंबर फिनिश हो गया। अभी प्राइम के अंदर ही एक नंबर और आने वाला है, क्या वो आएगा, आपका ट्विन प्राइम नंबर। तो अब देखते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों। नाउ हम बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर की, द्विक अभाज्य संख्याएं। अब आपको पता चल गया द्विक है या ट्विन है, मतलब दो नंबर्स होंगे। ठीक है, तो एक चीज़ पता चल गई कि दो नंबर्स होने वाले हैं,
दो नंबर्स, दो संख्याएं, ठीक है, चलिए पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है, दोनों ही क्या होने चाहिए, प्राइम, यानी क्या होने चाहिए, अभाज्य, अभाज्य होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, चलिए दूसरी कंडीशन ये है। तीसरी कंडीशन क्या है कि उनका जो डिफरेंस है वो आपका 2 होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, इफ द डिफरेंस बिटवीन, ये बी ऑब्लिक डब्ल्यू बिटवीन का है, बिटवीन टू प्राइम नंबर्स इज 2, देन दे कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। यदि दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो तो उन्हें द्विक अभाज्य संख्याएं कहते हैं। देखो आपको पूरी की पूरी डेफिनेशन का रट्टा नहीं मारना होता, आपको की पॉइंट्स उठाने होते हैं कि द्विक है, ट्विन है, मतलब दो नंबर्स होंगे, दोनों प्राइम होंगे क्योंकि प्राइम भी है, बस एक नई चीज उठानी है आपको कि डिफरेंस 2 होना चाहिए। ट्विन आपको दे रखा है, प्राइम आपको दे रखा है, तो आप ऐसी ट्रिक बना लीजिए कि ट्विन है मतलब 2 और प्राइम है मतलब अभाज्य, और ट्विन है तो डिफरेंस भी 2 ही मान लो, ठीक है। तो ये एक ट्रिक हो गई याद करने की, ठीक है। और इंग्लिश वाले ऐसे याद कर लेंगे, हिंदी वाले क्या बोलेंगे, हिंदी वाले द्विक अभाज्य संख्याएं, द्विक का मतलब क्या हो गया, अंतर भी 2 है और संख्याएं भी 2 है और अभाज्य दे रखा है। तो इस तरीके से कुछ ट्रिक्स बना लो यार, और जब प्रैक्टिस में आ जाएगी तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी। हमेशा जब चीज़ कोई चीज़ को स्टार्ट करते हैं, किसी भी चीज़ की बिगिनिंग होती है, तो उसको ट्रिक्स और सिंपल मेथड्स के साथ में याद करने की कोशिश की जाती है। जब प्रैक्टिस में वो चीज़ आ जाती है तो वो हमारे साथ में लंबे टाइम तक रहती है। तो ये तो बात हुई ट्विन प्राइम नंबर्स की, अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि भैया ट्विन प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल्स क्या होंगे। तो एग्जाम्पल्स हम यहाँ देखते हैं, अगर मैं बात करूँ 3.5, तो देख लो दोनों के दोनों क्या हैं, आपके प्राइम नंबर्स हैं और डिफरेंस भी 2 है। अगर मैं बात करूँ 5.7 की, तो दोनों के दोनों आपके अभाज्य संख्याएं हैं और अंतर भी 2 है। अगर मैं बात करूं 11 एंड 13 की, तो दोनों के दोनों ही आपकी प्राइम नंबर्स हैं और उनका बीच का जो डिफरेंस है वो भी 2 है। सिमिलरली मैं बात करूं 17 और 19 की, तो उन दोनों के बीच में भी जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 2 का है और दोनों के दोनों आपकी प्राइम नंबर्स हैं, मतलब डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है। दो नंबर्स हैं, सब में दो नंबर्स हैं, सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, सारे के सारे प्राइम नंबर्स भी हैं, और सब में डिफरेंस कितना है, 2 का है, सारी की सारी दो संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, अंतर 2 है। तो देख लो ये ट्विन प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब इन ट्विन प्राइम नंबर्स के अंदर ही हम देखने वाले हैं एक स्पेशलाइजेशन, जिसके ऊपर कई बार जो JEE या VIT होता है उसके अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिसका पेपर ज़्यादा थ्योरेटिकल आता है, जैसे बिट सेट का आता है या VIT का आता है, उसमें ऐसी चीज़ें पूछी जाती है। मैं 2-3 एग्जांपल और लिखता हूँ ट्विन प्राइम नंबर्स के, तो मेरे पास एक एग्जांपल हो सकता है 29 और 31 का, ठीक है। और कौन सा एग्जांपल हो सकता है, और एग्जांपल हो सकता है 41 एंड 43 का। चलिए मैंने ये सारे एग्जांपल्स लिख लिए, तो अब मैं क्या इंपॉर्टेंट बात यहां बताने जा रहा हूं, देखिए इन सब के बीच का नंबर क्या होने वाला है, एक्सेप्ट दिस, इसको छोड़ दीजिए, उसके बाद में इन सब के बीच में क्या नंबर आने वाला है उसकी बात करते हैं। तो भैया ये देखिए, इनके बीच में आएगा 6, इसके बीच में आएगा 12, इसके बीच में आएगा 18, इसके बीच में आएगा 30, इसके बीच में आएगा क्या 42, मतलब द नंबर बिटवीन 10 प्राइम नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6 और अ मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है, मल्टीपल कर लीजिए आप। तो इसका मतलब ये हुआ द नंबर्स या द नंबर बिटवीन ट्विन प्राइम नंबर्स कर लेना, ठीक है, द नंबर बिटवीन ट्विन प्राइम नंबर्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6 एक्सेप्ट 3.5। अगर मैं बात करूं हिंदी के अंदर तो लिख सकते हैं 3.5 के अतिरिक्त द्विक अभाज्य संख्याओं के बीच की संख्या
छः से विभाजित या फिर छः का गुणज होती है। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, द नंबर बिटवीन ट्विन प्राइम नंबर्स इज मल्टीपल ऑफ 6 एक्सेप्ट 3.5, 3.5 के अतिरिक्त द्विक अभाज्य संख्याओं के बीच की संख्या 6 का गुणज होती है। तो देख लीजिए, ये भी मल्टीपल ऑफ 6, 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 सभी 6 के गुणज हैं। और आगे भी आप जो ये ट्विन प्राइम नंबर्स बनाएंगे, द्विक बनाएंगे, ठीक है, ट्विन मतलब ये दो, ये जो द्विक बनाएंगे ना आप, इन द्विकों के अंदर एक खासियत ये मिलेगी आपको कि इस वाले द्विक को छोड़कर सभी के सभी द्विक में जो बीच में नंबर आएगा ना, जैसे इसमें 18, इसमें 42, इसमें 6, इसमें 12, इसमें 30, वो सब 6 के मल्टीपल होंगे। आप बना के देख लेना, आप होमवर्क में मैंने 6 बनाए, आप भी क्या करना, 6 बनाना इसके अलावा, और उनमें देखना, आपको ऐसी ही पॉसिबिलिटी मिलेगी या यही मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो ये आपकी थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो अभी तक मैंने जो नंबर सिस्टम में आज की क्लास ली है उसमें आपको 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस बताई हैं। तो यहाँ पर नंबर सिस्टम का एक पार्ट खत्म हो गया है, अब हम बात करेंगे रियल नंबर्स के ऊपर, रेशनल नंबर्स के ऊपर, इरेशनल नंबर्स के ऊपर, और हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। तो ये हमारे नंबर सिस्टम का एक तरीके से पार्ट 1 फिनिश हुआ है, अब हम बात करेंगे थोड़ी सा नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो देखिए बच्चों, रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याओं को स्टार्ट करने से पहले हमें फ्रैक्शन की जानकारी होनी चाहिए, भिन्न की आपको जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तरीके से जो फ्रैक्शन है वो इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है आपका, किसके अंदर, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के अंदर, क्योंकि ये चीज़ सेम है, थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा मैनिपुलेशन कर देते हैं तो वो फ्रैक्शन से आपका रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होगा ये आपको पता चलेगा। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन को, यानी भिन्न को, अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो अब देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है आपका कोई भी नंबर को, किसी भी संख्या को आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो आपका होता है फ्रैक्शन यानी भिन्न। और यहाँ पर जो q है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर q जो है वो ज़ीरो हो गया तो एनीथिंग अपॉन ज़ीरो वो हो जाता है इनफाइनाइट, या आपका nd, अनंत या अपरिभाषित। यार देखो, अनंत क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, ऐसी चीज़ जो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। अनंत मतलब इतना बड़ा नंबर हो गया, मैंने आपको बताया था ना कि नंबरों की कोई सीमा थोड़ी है, कोई लिमिट थोड़ी है, एक नंबर को मैं कितना भी लिख सकता हूँ। मैं जब से पैदा हुआ मैंने लिखना सीखा, उस टाइम पे बैठ के अगर मैं किसी नंबर को लिखना चालू करता हूँ और जिस टाइम तक मैं रहता हूँ, मैं मरने से पहले तक उस नंबर को लिखता हूँ, तो भी क्या है, वो नंबर छोटा ही रहेगा, कोई आएगा वो मुझसे भी बड़ा नंबर लिख के चला जाएगा। तो नंबर अनंत होता है, अपरिभाषित होता है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, एक्चुअल में हम जहाँ तक पहुँच नहीं सकते ना नंबर्स के थ्रू, उसको हम इनफाइनाइट मान लेते हैं कि बहुत कोई बड़ा नंबर है, ज़िंदगी में कभी सोच भी नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते, ये पहुँच नहीं सकते, उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन, क्योंकि जिस पे पहुँच नहीं सकते, जिसकी इमेजिनेशन नहीं हो सकती, वो हमारे लिए डिफाइन ही नहीं होगा, तो उसे बोलते हैं नॉट डिफाइन या अपरिभाषित। इससे ज़्यादा बढ़िया वर्ड है आपका अपरिभाषित यानी नॉट डिफाइन। अगर नॉट डिफाइन मिलता है तो आप नॉट डिफाइन लिखें, ज़्यादा अच्छा शब्द है। तो p बटा q रूप होना चाहिए और q जीरो नहीं होना चाहिए, q जीरो होगा तो अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, और अपरिभाषित या अनंत कुछ होता नहीं है प्यारे बच्चों। तो ये तो हुई आपके फ्रैक्शन की डेफिनेशन, अब हम देखेंगे कि भाई टाइप्स क्या क्या होते हैं फ्रैक्शन के, प्रकार देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार का फ्रैक्शन हमें मिलता है, और उसके बाद कुछ 1 से 2 क्वेश्चन हम लेंगे फ्रैक्शन के ऊपर, भिन्न के ऊपर, ओके। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट टाइप है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न, NR इज लेस देन DR। अब ये NR और DR क्या है भैया, NR का मतलब है आपका न्यूमरेटर, एंड जो आपका DR है उसका मतलब है डिनोमिनेटर। देखो जो आपका अंश है वो यदि हर से छोटा होगा तो वो आपकी उचित भिन्न होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ तो वो हो सकता है 2/5, 3/5 एंड 4/5। इन सब में देख लीजिए जो अंश है, जो न्यूमरेटर है, वो हर यानी डिनोमिनेटर से छोटा है। देखिए 5 जो है वो इन सब से बड़ा है ना, 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, 4 से भी बड़ा है। तो ये हो गए प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप के ऊपर, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर आपका न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से, मतलब आपका अंश बड़ा हो जाएगा
हर से, तो इसके एग्जांपल्स क्या निकलेंगे बच्चा, इनको उल्टा कर दो यार, इन्हीं से काम चला लूंगा, 5/2, 5/3 एंड 5/4। यहाँ पर देख लीजिए जो न्यूमरेटर है वो बड़ा हो गया, देख लो 5 बड़ा है 2 से, 5 बड़ा है 3 से, 5 इज़ ग्रेटर देन 4। तो देख लीजिए सब में क्या है, न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, अंश हर से बड़ा है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, और जिसकी तरफ ये चोंच जो है ये बंद होती है ये वाला छोटा होता है, ये आप बचपन से सीखते हुए आए हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए आप क्या याद रखेंगे इंग्लिश वाले, NR इज लेस देन DR, NR का मतलब न्यूमरेटर, DR का मतलब डिनोमिनेटर। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए याद रखेंगे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, अंश जो है वो हर से बड़ा होता है। सिर्फ इतनी सी चीज़ याद रखनी है, ये नाम याद रखना है और इतनी सी चीज़, ये नाम याद रखना है और इतनी सी चीज़, उससे आपकी दो टाइप्स याद हो जाएंगे आपको। अब देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, आपका मिश्रित भिन्न क्या होता है। मिश्रित भिन्न का मतलब हो गया क्या कीजिए, मैंने जैसे 2+3/5 कर दिया, मैंने कर दिया 3+2/3 कर दिया, मैंने कर दिया 5+3/7। तो ये सब क्या है, आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जांपल्स हैं। एक आपका नंबर होगा, दूसरी आपकी फ्रैक्शन होगी, तो इसे हम बोल सकते हैं आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऐड हो जाएगा और साथ में कुछ ना कुछ पार्ट और आ जाएगा। हम बात करें अगर कंपाउंड फ्रैक्शन की, यौगिक भिन्न की, तो इस चीज़ में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, या आप कंपाउंड फ्रैक्शन को ऐसे लिख सकते हो, फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। दैट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो अंश है यानी आपका जो न्यूमरेटर है NR, वो भी एक फ्रैक्शन है, वो भी एक भिन्न है, और जो आपका हर है, जो आपका डिनोमिनेटर है, वो भी एक फ्रैक्शन यानी कि भिन्न है। मतलब ऊपर और नीचे दोनों जगह फ्रैक्शंस आएंगे तो वो हो जाएगा कंपाउंड फ्रैक्शन। दैट मीन्स ऊपर कोई फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर यानी अंश में फ्रैक्शन लिख दिया मैंने 2/3, और जो मेरा हर है, जो मेरा डिनोमिनेटर है, उसमें भी कोई फ्रैक्शन हो गया 4/5। तो ये जो चीज़ है ना, फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन की फॉर्म, इसी को हम बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन, यौगिक भिन्न। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन आपका ये हुआ और कंपाउंड फ्रैक्शन आपका ये हुआ, मिश्रित भिन्न और यौगिक भिन्न, फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, और यहाँ पर क्या होता है, फ्रैक्शन के साथ में कुछ और पार्ट आ जाता है। तो ये हो गए आपके दो और पार्ट। अब बचे हैं दो और पार्ट, फिर आपके फ्रैक्शन के टाइप्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। नाउ हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है वो है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन सम्मिश्र भिन्न। वो क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा 2 से ही 3/5, 7 से ही 2/7, इस तरीके की जो चीज़ें होती है, अपन लिखते हैं 2/3/5, 7/2/7, ये जो होती है कॉम्प्लेक्स होती है, इसको बोलते हैं हम सम्मिश्र भिन्न। जैसे कि जो 2+3/5 था, ये आपका क्या था, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन था, आपका मिश्रित भिन्न था। लेकिन इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये बीच वाला प्लस हटता है और ये पास में आ जाता है 2/3/5, उस टाइम ये क्या हो जाता है, आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो जाता है, सम्मिश्र भिन्न हो जाता है। तो जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या मेरे पास में कोई ऐसा एग्जाम्पल हो, सपोज 12/5 है, तो मैं इसको थोड़ा सा तोड़ के लिख सकता हूँ, 12 में देखिए कितनी बार भाग गया, 2 बार डिवाइड हुआ, और मेरे पास रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर मेरे पास में बचा 12-10, दैट इज 2, 2 मेरे पास में शेषफल बचा और नीचे 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 सही 2/5। तो ये 12/5 को कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका हो गया। ये क्या चीज़ थी, ये चीज़ आपके पास में थी, देखिए न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो ये था आपका विषम भिन्न। जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था वो है ये। और देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैंने चेंज किस में कर दिया, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में, ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, आपका सम्मिश्र भिन्न है। तो इस तरीके से भिन्नों के अंदर क्या होता है, जो फ्रैक्शंस होती है उसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। देखिए पहले क्या था, जो मैंने 2+3/5 लिखा था, ये क्या था आपका, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन था, मिश्रित भिन्न था, और जैसे ही मैंने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया तो ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो गया। और इसको जब मैं खोलूंगा तो देखिए 2 × 5 = 10+3 यानी कि 10+3 = 13/5, तो 13/5 जब मैं लिख दूंगा तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, विषम भिन्न हो जाएगा। तो इस तरीके से जो फ्रैक्शंस होते हैं उनमें इंटरचेंज चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक लास्ट फ्रैक्शन के ऊपर, जो है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, जो निरंतर चलता रहता है ना वो। अब देखो ये जो फ्रैक्शन है ये भिन्न है, ये लगातार चल रही है, देखो 2+2/2+2/2+2/2+2, ये लगातार चलता जा रहा है। और इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है कि हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2+1/2+1/2+1/2+1/2+1/2+,
डैश 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 इनफाइनाइट चलता रहेगा। तो देखिए टू का टू लिख दिया, फिर प्लस का साइन लगा दिया, और उसके बाद में टू वन अपॉइंट टू, वन अपॉइंट टू प्लस, वन अपॉइंट टू प्लस, ये इस तरीके से अपना चलता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो यहाँ तक जो आपके टाइप्स थे फ्रैक्शन के, वो सारे के सारे टाइप्स मैंने आपको पढ़ा दिए। मैंने आपको छह टाइप्स पढ़ाया। पहला हमने पढ़ा प्रॉपर फ्रैक्शन, जो आपका उचित भिन्न होता है। दूसरा हमने पढ़ा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आपकी विषम भिन्न। तीसरी हमने पढ़ी मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि आपका मिश्रित भिन्न। चौथी हमने पढ़ी कंपाउंड फ्रैक्शन, यौगिक भिन्न। पांचवा हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, सम्मिश्र भिन्न। और ये लास्ट जो छठा है, ये है आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो यहाँ पर आपका फ्रैक्शन का पार्ट खत्म हो गया है। अब हम फ्रैक्शन के ऊपर दो अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम रेशनल नंबर्स के थ्रू स्टार्ट करते हुए नंबर सिस्टम को समाप्त कर देंगे, नंबर सिस्टम खत्म कर देंगे। ओके, तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। कोई भी डाउट लगे यहाँ तक तो नीचे कमेंट कीजिए कि ये डाउट है सर, मैं उसका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन आपको दूंगा। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। एक थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और एक नॉर्मल क्वेश्चन है, तो यहीं पर ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ना। नाउ क्वेश्चन नंबर वन जो है हमारे पास में, वो है सिंप्लीफाई, सरलीकरण। हमें इसे सरलीकृत करना है, सिंप्लीफाइड करना है। 1 माइनस 1 बाई टू, 1 माइनस 1 बाई थ्री, 1 माइनस 1 बाई फोर, और इस तरीके से ये n तक चलता जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो इसको किस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर होगा 1 माइनस 1 बाई n, ओके। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो मैं इसमें LCM लेकर इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इसे लिखूँगा 2 माइनस 1 अपॉन 2, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 3, यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन 4 डैश डैश डैश। यहाँ देखिए अगर मैं एक स्टेप पहले चलूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए हर बार एक स्टेप में चीज़ बढ़ रही है। देखो यहाँ पर 2 था, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और यहाँ n है। तो इससे पिछले स्टेप में क्या होगा, n माइनस 1। क्यों? क्योंकि सब में देखो 1 हो रहा है, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो अगर यहाँ 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 होगा, तभी तो नेक्स्ट में जब प्लस 1 होगा तभी मेरे पास n आएगा। ठीक है, एक्चुअल में देखिए ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, सोचने वाली चीज़ है। देखिए क्या था, 2 3 4, सब में एक एक बढ़ रहा है। तो इससे पहले वाले स्टेप में क्या होगा, इससे एक कम होगा। तो यहाँ पर n है, तो इससे एक कम क्या हो जाएगा, इससे एक कम वाला माइनस कर देंगे, दैट मीन्स n माइनस 1 हो जाएगा। और इसमें भी अगर हम थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो देखिए प्यारे बच्चों पूरा करूँगा तो ये हो जाएगा n माइनस 1 और माइनस 1। ठीक है, होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं कि LCM जैसे इन सब में लिया वैसे ही उसमें भी ले लिया। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाइड करते हैं। देखिए 2 माइनस 1 हो गया बच्चों 1 अपॉन 2, 3 माइनस 1 हो गया बच्चों 2 अपॉन 3, 4 माइनस 1 बच्चों हो गया 3 अपॉन 4 डैश डैश डैश, n माइनस 2। क्यों? क्योंकि माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 अपॉन n माइनस 1, और ये हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन n। तो बच्चों देखिए 2 यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर में, हर में, यहाँ पर क्या है अंश में, तो ये कैंसिल आउट। सिमिलरली 3 कैंसिल आउट, सिमिलरली 4 कैंसिल आउट, सिमिलरली यहाँ n माइनस 2 कैंसिल आउट, सिमिलरली यहाँ n माइनस 1 कैंसिल आउट। इधर देखिए बचा क्या, इधर बचा 1 और उधर लास्ट में क्या बचा n। तो जो आपके पास अंश होगा, न्यूमरेटर होगा, उसके अंदर 1 बच जाएगा और हर के अंदर बच जाएगा n। तो मेरे पास जो इस चीज़ का आंसर आया ना बच्चों, वो मेरे पास आया 1 बाय n। ओके, तो ये मेरा आंसर हो गया, 1 बाय n मुझे मिल गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में एक कंटिन्यूड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। इफ़ x इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, इस तरीके से क्या है कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, लगातार चलते जा रहा है। तो इसमें मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन हम इसमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे यार, इतना बड़ा फ्रैक्शन है, हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यार एक चीज़ देखो बच्चों, ये क्या है, अगर मैं यहाँ से उठाकर देखूँ इस वाले पोर्शन से, ये अनंत तक ही तो जा रहा है। अगर मैं इस ऊपर वाले को भूल जाऊँ, ऊपर वाले को मैं एक बार छिपा देता हूँ हाथ से, तो इस पोर्शन को देखिए, ये पोर्शन क्या है, देख लो 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, अगेन 1 प्लस
वन अपॉन टू प्लस वन, अगेन वन प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, वन प्लस वन, सेम चलता रहेगा। मतलब इस पूरे पोर्शन की जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, क्या प्रतिस्थापित कर सकता हूँ? तो आप सबको पता चल गया होगा कि इस पूरे पोर्शन की जगह पे मैं x को प्रतिस्थापित करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से अनंत तक जो चलेगा वो अल्टीमेटली मेरा x ही होगा। आप हाइड करके देख लीजिए, आप इसके ऊपर कॉपी अपना हाथ रख लीजिएगा, एक्चुअल में बोर्ड पे बड़ा हो गया, मेरा हाथ आ नहीं रहा है, बट सिर्फ इस पार्ट को देखिए जिसमें मैंने बॉक्स बनाया है, ये आपको x ही लगेगा और बिल्कुल x ही है। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही सिंपल हो गया, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्स का एक्स पड़ा है, ठीक है बच्चा। अब देखो वन प्लस का तो वन प्लस पड़ा रहने दीजिए, ऊपर भी वन पड़ा है, नीचे देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, और ये वाला एक्स ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, डेफिनेटली होगा, आप सभी को पता है। तो मेरे पास आएगा एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स अपॉन टू एक्स प्लस वन, ठीक है बच्चा। अब देखो और क्या किया जा सकता है इसमें, इस पूरे का अगर मैं बात करूं तो मैं लिखूंगा x 2x प्लस 1 प्लस x अपॉन 2x प्लस 1, कुछ नहीं किया, इसकी इससे मल्टीप्लाई की है। तो अब देखिए क्या आ जाएगा मेरे पास, x प्लस 2x ऊपर हो जाएगा 3x प्लस 1, दैट मीन्स x इक्वल टू 3x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1। अब मैं इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देता हूँ, वज्र गुणा कर देता हूँ, तो मेरे पास आएगा बच्चा x मल्टीप्लाई टू एक्स प्लस वन, एक्स मल्टीप्लाई टू एक्स प्लस वन, ठीक है, और इस तरफ मेरे पास पड़ा है 3x प्लस वन। तो अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, देखिए x का x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 3x प्लस वन। अब देखिए मैं इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेता हूँ, तो देखिए मैं जब इसको इधर लेके आऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, दैट मीन्स मुझे मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू जीरो। यहाँ मैंने आपको करके नहीं दिखाया है, और किसी को चाहिए तो दोबारा कर देता हूँ, देखिए यार कोई बाद में ये ना बोले कि बताया नहीं, देखिए ये तो था ही, वो इधर आएगा तो वो माइनस का 3x हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो देखिए x माइनस 3x माइनस का 2x और माइनस 1 पड़ा है, तो अब मेरे पास में जो इक्वेशन थी ना बच्चा वो क्या आ गई, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का जो है वो आपका 0 है, ये जो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 है ये 0 है, ओके। और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो मैं इस ऊपर वाली चीज़ को एक बार हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, क्वेश्चन तो आपने नोट कर ही लिया होगा, मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो बच्चों मैं यहाँ पर x की वैल्यू के लिए क्या चीज़ यूज़ करूँ, मेरे पास में है इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये मेरे पास में इक्वेशन है, तो मैं इसको किस चीज़ से सॉल्व करूँ, तो मैं यहाँ पर आपका एक और फॉर्मूला रिवाइज करवाने वाला हूँ, दैट इज़ आपका श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र होता है बच्चों, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, तो जो x का मान है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये आपका होता है श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। इस श्रीधराचार्य सूत्र से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ देखिए b कितना है, b है मेरा माइनस टू, तो माइनस माइनस टू दैट मीन्स प्लस टू प्लस माइनस, अगेन b का स्क्वायर मतलब माइनस टू का स्क्वायर वो होगा 4 माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू माइनस 1, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2a, तो 2a मतलब 2 इंटू 2, दैट इज a 2 है आपके पास में और एक फॉर्मूले वाला 2, दैट मीन्स 4। तो अब इसको थोड़ा सा मैं और सॉल्व करता हूँ, तो देखिए ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 4 प्लस, क्योंकि देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 प्लस 4 इंटू टू 8, 8 इंटू वन 8, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8 अपॉन 4। तो यहाँ देखिए अगर मैं इससे 2 बाहर ले लूँ, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूँ, 2 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 4, अगेन यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा जब तो अंदर बचेगा रूट 3 अपॉन 4,
तो अब देखिए मैं इसे 2 की टेबल से कट कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने 2 की टेबल से कट किया तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2, और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है मेरे पास में x की। तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली है, और वो वैल्यू कितनी आई, वो वैल्यू आई बच्चों 1 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो जो यहाँ मान पूछा था वो आया 1 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें मैंने आपसे करवा ली। मैंने आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करवा ली, मैंने आपको श्रीधराचार्य सूत्र एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आपको कंटिन्यूड फ्रैक्शन जो था उसके अकॉर्डिंग चीज़ें भी बता दी। तो 3 क्वेश्चन हमने इस क्वेश्चन के जरिए कर लिए। कौन कौन से? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, श्रीधराचार्य सूत्र और हमारा कंटिन्यूड फ्रैक्शन। अब मैं एक और क्वेश्चन यहीं पर जनरेट करता हूँ, इसी से रिलेटेड है, ठीक है? और वो क्वेश्चन है बच्चों कि अगर ऐसा है, ठीक है, सेम टू सेम वही पूरा का पूरा फ्रैक्शन लिखा हुआ था वही है, इसी का सेकंड पार्ट है, वो मैं बोलता हूँ कि 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3, और मैंने आपको ऑप्शन दे दिए 1, बी मैंने आपको दे दिया 3, सी मैंने आपको दे दिया 0 एंड डी मैंने आपको दे दिया नन। तो अब आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन होने वाला है। तो उसके लिए मैंने x की वैल्यू पहले से ही फाइंड करके रखी है, उसको डायरेक्ट फार्मूले में टिका देता हूँ। चलो टिकाते हैं, 2 1 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, और इसका ऊपर होल स्क्वायर था ना। तो अब देखिए 2 से 2 होगा कैंसिल, तो अब मेरे पास जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी 1 प्लस माइनस रूट 3 माइनस 1 अपॉन 3, तो नीचे पड़ा है, और इस पूरे का स्क्वायर। तो ये देखिए प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कुछ नहीं किया, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो मुझे मिला 1 प्लस माइनस रूट 3 और माइनस 1। तो ये वाला 1 प्लस का, ये वाला 1 माइनस का, कोई बात नहीं। अब मेरे पास में बचा क्या, मेरे पास बचा प्लस माइनस रूट 3 होल स्क्वायर अपॉन 3। तो बच्चा यहाँ देखिए प्लस रूट 3 का स्क्वायर भी 3 होता है, माइनस रूट 3 का स्क्वायर भी 3 होता है, तो अल्टीमेटली यहाँ से 3 ही बाहर आना है और अपॉन में भी 3 है, तो मेरे पास आंसर बन जाएगा 1। तो देखिए आंसर हो गया ए 1, ठीक है, तो मेरे पास आंसर आया 1। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हमारा जो फ्रैक्शन वाला पार्ट था वो फिनिश हो गया है, और इसी के साथ हमारा जो आज का वीडियो है या जो आज का सेशन है वो भी फिनिश हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा और कुछ ना कुछ यूनिक मिला होगा। हमने आज फ्रैक्शंस को पढ़ा, कंपोजिट नंबर्स के बाद में हमने को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर्स को पहले पढ़ा, फिर हमने पूरा फ्रैक्शन डिटेल में पढ़ा, और फिर दो अच्छे क्वेश्चंस लिए फ्रैक्शन के ऊपर, जिसमें लास्ट वाला तो गजब का क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन में 3-4 चीज़ें रिवाइज करवा दी, और फिर एक छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आया था, ठीक है। आपको अच्छा लग रहा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी बताइए इस चीज़ के बारे में कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ मिल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।